हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसके गाइड। आज मैं आपको डिजी लॉकर के बारे में कुछ बताऊंगा। डिजी लॉकर, व्हाट इज द डिजी लॉकर एंड वेयर इज इम्पोर्टेंट डिजी लॉकर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो देखने से पहले इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो हम चलते हैं डिजी लॉकर पे। ये हमारा डिजी लॉकर ऐप है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आराम से मिल जाएगा। आपने प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पे आप प्ले स्टोर में चले जाओ, इधर आप डिजी लॉकर सर्च मारोगे, यहाँ पे आ गया डिजी लॉकर। ये गवर्नमेंट ऐप है, इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मेरे को अपडेट के लिए बता रहा है। ओके, तो अपडेट डाउनलोड के बाद आप डिजी लॉकर खोलिए। मैंने डिजी लॉकर खोल लिया अपना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना डिजिटल मिल जाएगा, आपको इसके अंदर अपना व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डिजिटल मिल जाएगी, पैन कार्ड डिजिटल मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपको क्या नाम है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ICICI बैंक में ऑनलाइन, ये क्या नाम है, कोटक में, महिंद्रा में, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको बताता हूँ कैसे आपने डिजी लॉकर पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाना है। आप डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे तो मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो जैसे आप डिजी लॉकर पे करोगे तो यहाँ देखो आपका आधार नाम, आपने आधार से लिंक किया होगा तो आपका आधार नंबर आएगा, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालिएगा और जहाँ पे अपन सन ऑफ या वाइफ ऑफ कुछ भी वो डालिएगा और ओके की टिक मारिएगा और गेट डॉक्यूमेंट, और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और वैसे सब कुछ करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। मेरा आधार कार्ड, ये मेरा आधार कार्ड है, देखिए मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाला हुआ है इस पर, फिर मेरा आधार कार्ड शो हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भी शो हो जाएगा। पैन कार्ड रिकॉर्ड है, ये भी मेरा शो हो जाएगा। ये सब सिर्फ आपको सिंपल स्टेप में आपको सिर्फ वो डालना है, अपना आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये डालिएगा, खुद ही आ जाएगा आपको, मतलब शो हो जाएगा। ओके, तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा, तो ऐसे करते हैं डिजी लॉकर। और दिस इज अ डिजिटल ऐप, तो ये मोदी सरकार का ऐप है और इसको कोई वो नहीं कर सकता कि हाँ, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी है, तो आप इसमें सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला ये सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं करे तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई, मुझको लिख के दे दो कि ये डिजी लॉकर इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो वैसे तो वो लिखेगा नहीं, ये गवर्नमेंट ऐप है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं।